समान धर्मा व्यक्तियों की दोस्ती होती है और ये जो परंपरा चली है उसका समान धागा है देशभक्ति, देशहित की चिंता। अब भोसले राजघराने के इतिहास पर संशोधन करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे उतनी जानकारी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी है। तो शिवाजी महाराज के द्वारा प्रवर्तित उत्तर और पूर्व में मुक्त करने का जो अभियान चला, पूर्व का ये मुक्ति अभियान नागपुर से चला, भोसले राजघराने के नेतृत्व में चला और ये करते समय राजा भोसले तो थे लेकिन अनासक्त राजा थे, ये एक घटना से पता चलता है। ऐसा मैंने सुना है कि बिहार में जब और मराठा सेनाएं भोसलाओं के नेतृत्व में जाने लगी, उसी समय पेशवाओं का भी वहां पदार्पण हुआ और दोनों में वाद होने की स्थिति आई कि कौन जाए वहां, कौन वहां, क्योंकि जो उसको विजयी करेंगे उनके हाथ में आएगा सारा इलाका। तो वाद विवाद को बिना किए भोसलाओं ने पेशवाओं को कहा कि आप करिए, हम पीछे हटते हैं। यह समझदारी सदा सर्वदा सब समय अगर हम लोगों में होती तो शायद भारत परतंत्र भी नहीं होता। लेकिन 350 वर्ष के घोर अंधकार के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस प्रकार का एक विचार, जागृति, प्रेरणा समाज में प्रवर्तित की और आज तक वो प्रेरणा कभी बड़े प्रवाह के रूप में, कभी छोटे रूप में, लेकिन सतत बह रही है। इस राजघराने से इस जो व्यवहार होता है उसमें ये झलकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये भी एक कारण है कि इस पुरस्कार में मैं तीसरे बार आया हूं, तो बार बार एक ही आदमी को क्यों बुलाऊं, मैं आ भी जाऊंगा स्नेह के कारण, लेकिन लोग बोर होंगे उसका क्या है, ऐसा कहने का मन में आता है लेकिन मैं कभी अवज्ञा नहीं करता हूं। अगर मैं हूं यहां पर मैं जरूर आता हूं। उसका कारण यह है कि अपने यहां राजाओं की ये परंपरा रही है, राजा रूलर ये हमारी कल्पना नहीं थी, राजा ये प्रजा का सेवक, लोक योगक्षेम को देखने वाला, लोगों का रक्षण करने वाला, ऐसी सारी बातें थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य, ये स्वराज्य का स्व उसके नाते तो है ही, लेकिन वो सुराज्य भी था। इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसा राज्य चलाया, छत्रसाल जी ने जैसा चलाया, राणा प्रताप ने जैसा चलाया, गवर्नेंस का विषय अध्ययन करने वाले लोगों ने इसका अध्ययन करना चाहिए। आज भी हम गले उतार नहीं पाए ऐसी कल्पना है उन्होंने कर दी, बाद में समय के उलटफेर में बदल गई बातें, लेकिन इतने वो दृष्टा थे और वो केवल दूर का देखते थे इतना ही नहीं, तो लोगों के साथ संवेदना जब एकाकार होती है तब ऐसा होता है। अब जमाना तो प्रजातंत्र का है, पुराने राजा रहे नहीं, लेकिन जैसे उनका राजपद नहीं रहा तो भी वहां वहां की प्रजा ने अभी भी उनको राजा मन से मानते हैं, कहते भी हैं। उन इलाकों में अभी भी परंपरा से प्रजा के मन में वो सम्मान है, ऐसा नागपुर में भी। और ये है, लेकिन व्यवस्था बदल गई है, व्यवस्था बदल गई तो कुछ काम छूट गए। जैसे शिवाजी महाराज के बारे में, तो उन्होंने लड़ाइयां की, प्रजा का संरक्षण किया, सद्धर्म की संस्थापना की, धर्म का रक्षण, धर्म यानी पूजा का नहीं, धर्म से जो व्यवहार होता है परस्पर आत्मीयता का, दूसरे को
किसी प्रकार का और नुकसान न पहुंचाने का उसको सुरक्षित रखा, आगे बढ़ाया और परचक्र का निवारण किया, सीमाओं का संरक्षण किया। तो सीमाओं का संरक्षण, परचक्र का निवारण, ये सारी बातें और राज्य का ठीक संचालन, ये सारी बातें आज के व्यवस्था के हाथ में है। परंतु केवल उतना नहीं है, शिवाजी महाराज के बारे में दो श्लोक जो मैंने सुने उसमें एक में वर्णन है, शिवाजी महाराज को कहते हैं त्वम जनपद संस्कर्ता, त्वम जनगण धी दाता। और अपने सुभाषित में एक राजा का जो वर्णन है, प्रभु कहा गया है, तो प्रभुत्व पाने के लिए जो आवश्यक प्रमुख पांच गुण है उसमें पहले दो क्या है, पात्रे त्यागी गुणे रागी। सत्पात्र व्यक्तियों को देने वाला और गुणों की कदर करने वाला। परंतु परंपरा से जो संस्कार आया है, सुसंस्कार आया है, उसमें कुछ काम छोड़ देने पड़े व्यवस्था के अधीन हो गए तो भी, ये जो पात्रे त्यागी गुणे रागी वाला काम है, जनपद संस्कार और जनगण को धी देना, आगे और भी कहा है अभिजनम आर्ता नाम अति दीना नाम बांधव बांधव मति दीना नाम, ऐसे कहा है। यह सारी बातें परंपरा से चलनी चाहिए, चल रही है नागपुर के भोसला राजघराने। ये राजन रत्न पुरस्कार उसी प्रेरणा का एक प्रत्यक्ष हुआ रूप है, ऐसे मैं मानता हूं, और वह ऐसे ही चलना चाहिए। क्योंकि आखिर समाज में गुणों की कदर है और गुणों का उत्कर्ष होता है तो सारी बातें ठीक होके हम आगे बढ़ सकते हैं। उसको प्रोत्साहन चाहिए। गुणवान लोग तो रहते हैं, लेकिन गुणवान लोग हमेशा साधनवान रहेंगे ऐसा नहीं, और गुणवान व्यक्तियों को भौतिक साधनों की आवश्यकता तो होती है, लेकिन वो गुणवान है तो अपने प्रयासों प्राप्त भी कर लेगा। परंतु मुख्य बात है प्रोत्साहन चाहिए। वो प्रोत्साहन देने का काम समाज के सब प्रमुख लोगों का रहता है, राजाओं का भी ये रहता था। अब राज्य व्यवस्था बदल गई तो भी राजाओं के इन सद्गुणों की परंपरा राजघराना चला रहा है, ये अभिनंदनीय बात है। और मैं हमेशा ही इस बात के लिए भोसले राज परिवार का अभिनंदन करता हूं। क्योंकि गुणों के आधार पर समाज चलता है और समाज के गुणों के आधार पर देश बड़ा होता है। कोई एक व्यक्ति, एक समूह, एक विचार, एक तत्वज्ञान, उसके आधार पर देश बनते बिगड़ते नहीं है, वो अलग अलग होते। आज दुनिया के जो अच्छे देश है उसमें सब प्रकार के विचार है, उसमें अच्छे नेता उसमें भी है, और जिन देशों की हालत अभी खस्ता है उसमें भी नेता अच्छे मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं, वहां भी मिलते। व्यवस्थाएं भी सब प्रकार की चल रही, सब प्रकार की व्यवस्थाओं से देश बड़े हो गए। तो इसका अर्थ यह है कि यह सारी बातें सहायक होती है। मुख्य बात यह हुई है कि समाज में गुणवत्ता कितनी है, समाज में अपनापन कितना है, एकात्मता कितनी है, और समाज में स्वार्थ का लोप हुआ है कि नहीं। गुणों को प्रोत्साहन देने से ये सारी बातें बढ़ती है। कोई राजा या कोई प्रमुख आदमी गुणों का प्रोत्साहन दे रहा है, उसको अपने लिए वो करने की आवश्यकता नहीं है तो भी कर रहा है। इससे कहा जाए ना कहा जाए, अपने आप वो अपनापन का दायरा बढ़ते चले जाता है। क्योंकि मुझे कोई मदद करता है तो मेरे ऊपर जब प्रसंग आता है तब मैं भी वही करता हूं, मुझे वो स्मरण होता है। मनुष्यों में कृतज्ञ लोग का, मनुष्य का कृतज्ञ रहना ये है। और इसलिए जब जब ऐसे होता है, जब जब ये अनुभव आता है, तब तब वो व्यक्ति अपने जीवन में भी कुछ न कुछ प्रमाण में इसी का आचरण करता है।
तो गुणों का गौरव होने से गुणों को प्रोत्साहन मिलता है, एकात्म भाव का पुरस्कार होता है और उसके कारण सारा देश एक वातावरण में प्रगति के राह पर चलता है। राजा रत्न गौरव पुरस्कार भोसले कुल का भूषण है, लेकिन केवल उनके कुल का भूषण नहीं है, इसके चलते समाज अपने देश को दुनिया में भूषणास्पद बनाएगा, ऐसी उसकी ताकत भी बनती है। और इसलिए इन कार्यक्रमों का प्रोत्साहन भी प्रतिवर्ष इसमें अच्छी उपस्थिति में रहकर हमको करना चाहिए और इससे प्रेरणा लेकर जितना हम कर सकते हैं उतना हमने भी प्रारंभ करना चाहिए। कोई गरीब विद्यार्थी है, आगे पढ़ सकता है, क्षमता उसकी है, लेकिन साधन नहीं है, उसके साधनों की पूर्णता या अंशतः आपूर्ति हम कर सकते हैं क्या? हमारे अपने घर में घर का काम करने के लिए जो लोग आते हैं, हम अपने बाल बनवाते हैं तो किसी नाई के यहां बनवाते होंगे, कपड़े धोते तो किसी के यहां धोते होंगे, ये सब हमारा जीवन चलाने वाले लोग हैं, उनका घर कैसा है, उनके जीवन में गुण कौन से हैं, उनको साधन कितने हैं, ये अपना एक बड़ा कुटुंब है। जैसे राजा प्रजा को कुटुंब मानकर गुणी जनों की कदर करता है, उसको प्रोत्साहन देता है, जिस परंपरा का जोग सर ने भी उल्लेख किया, वैसे अपने इस बड़े कुटुंब में हम जितना भला सबका कर सकते बिना अहंकार किए, उपकार नहीं है ये, कर्तव्य है, वो अपना कुटुंब है, तो क्या हम प्रतिवर्ष कर सकते हैं, सोचना चाहिए, आगे करना चाहिए। ऐसा अगर हम करते रहे तो राजा रत्न पुरस्कार की परंपरा जो चली है उसके पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सफल होगा, ये उद्देश्य उत्तरोत्तर अधिकाधिक सफल होता जाए, ऐसा हम सब करें। और राजा रत्न पुरस्कारों में इस बार दो नई बातें जुड़ी है, दो नए पुरस्कार जुड़े हैं, ऐसे इसमें और नए नए पुरस्कार आप हम सब लोगों के सहयोग से जुड़ते चले जाए, एक शुभकामना मैं ये देता हूँ और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।